भारतीय परंपरा में किसी भी मांगलिक कार्य, त्योहार और पर्व के साथ ही विशेष मौकों पर गांव में घर को गोबर से लीपने की परंपरा रही है। लेकिन बदलते वक्त के साथ अब परंपराएं भी बदलती जा रही हैं। अब बाजार में गोबर से बने इको फ्रेंडली गोबर पेंट और क्लॉथ आ गए हैं। यही नहीं, शहर के लिए परेशानी बना प्लास्टिक कचरे का भी अब कागज बनाने में इस्तेमाल होने लगा है। ये सब कुछ कर दिखाया है सांगानेर स्थित कुमारप्पा नेशनल हैंडमेड इंस्टीट्यूट ने। एमएसएमई उद्योगों को बढ़ावा देने के मकसद से इन इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को केंद्रीय एमएसएमई मंत्री नारायण राणे ने प्रचार प्रसार किया। बदलते समय के साथ अब मकान भी पक्के हो गए हैं और गोबर से लीपने की परंपरा चंद इलाकों में ही सिमट गई है। राजस्थान में पहले घरों को ठंडा रखने के लिए गोबर से लीपा जाता था, अब बाजार में इसी की तर्ज पर इको फ्रेंडली गोबर पेंट आ गया है। जयपुर आए केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री नारायण राणे ने खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की ओर से गोबर से तैयार होने वाले पेंट बनाने की तकनीक जानी और बढ़ावा देने की अपील की। ये पहले बार इस तरह का अनुभव आ रहा है कि गोबर से कलर बनाने का काम हमारे ये संस्था सक्सेना साहब के नेतृत्व में तैयार कर रही है। तो ये गोबर से कलर बनाने का काम ये इंस्टीट्यूट कर रही है, मैं बधाई देता हूँ आप सभी को, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और ये भारत में नया प्रोडक्शन जो किसानों को आर्थिक फायदा दे सके ऐसे प्रोडक्शन है। इको फ्रेंडली पेंट ही नहीं, अब कपड़ा भी जल्द बाजार में आएगा। एमएसएमई मंत्री नारायण राणे ने एंटी बैक्टीरियल रसायन और कपड़े को लॉन्च किया। सांगानेर स्थित कुमारप्पा नेशनल हैंडमेड इंस्टीट्यूट की ओर से तैयार की गई तकनीक के जरिए खादी की सहायता से यह कपड़ा तैयार किया गया है। कोरोना काल में एंटी बैक्टीरियल प्रोडक्ट की मांग बढ़ गई है, ऐसे में एंटी बैक्टीरियल क्लॉथ काफी कारगर होगा। संस्थान का प्रयास है कि DRDO के सहयोग से यह कपड़ा सैन्य कर्मियों को मुहैया हो सके और अस्पतालों में भी उपयोग हो सके। इसका उपयोग आम जनता के लिए होगा और इसके लिए ये सेफ है। कलर भी सेफ है, घर को देने से बहुत कुछ फायदा हो सकता है, बचाव हो सकता है, इसलिए दोनों प्रोडक्शन उपयुक्त है, हेल्थ के लिए भी अच्छे है। हमारा एंटीबैक्टीरियल पेंट और हमने जो एंटीबैक्टीरियल क्लॉथ आज लॉन्च हुआ है तो ये दोनों बहुत ही कारगर हैं। काउडंग जो है 5 रुपए किलो है, अब हमने काउडंग 5 रुपए किलो से 250 रुपए लीटर हमने इमल्शन पेंट बना लिया है। और दूसरा हमने जो आज एंटीबैक्टीरियल एजेंट उससे जो आज हमारा लॉन्च हुआ है, दो चीज़ें लॉन्च हुई हैं आज हमारी, एक तो एंटीबैक्टीरियल एजेंट जो हमने काउडंग से एक्सट्रैक्ट किया साइंटिफिक वे में, और दूसरा जो एक्सट्रैक्टेड एंटीबैक्टीरियल एजेंट है गोबर से निकाल के उसे हमने कपड़े पे भी साइंटिफिक तरीके से लाया है। और हमने उसको ये कोशिश ये हमारे कि वो कपड़े में से लीच आउट नहीं हो, वॉश के बाद वो रहे। बदलते वक्त के साथ अपनी पहचान खो चुका एमएसएमई सेक्टर एक बार फिर पटरी पर लौट रहा है। देश को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए प्रयास कर रही है। ऐसे में इन इको फ्रेंडली प्रोडक्ट के जरिए एक ओर जहां गांवों में बसे किसानों की आय बढ़ेगी तो वहीं दूसरी ओर एमएसएमई उद्योगों की तरक्की से लोगों को रोजगार मिलेगा। जनटीवी के लिए विवेक शर्मा की रिपोर्ट।